रामबाल आ जाए, रामबाल आ जाएगा, यहीं बैठा दो ना, पीछे बैठा दो, ए पीछे कुर्सी लगा दो। हमारे पत्रकार साथियों, मुझे सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मजबूत नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करने के लिए निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी और पीस पार्टी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयोध जी समाजवादी पार्टी को सहयोग देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बीच में है और लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन विभिन्न दलों का, पूर्व विधायक को ही बुला लेते, विभिन्न लोगों का प्राप्त हो रहा है। मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को और डॉक्टर अयोध जी को धन्यवाद देता हूं और आवेदन निवेदन के साथ डॉक्टर संजय निषाद से चाहूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। अभी सुन लो डॉक्टर संजय जी, सुन लो आप, वहीं से बोलो, वहीं खड़े हो, अच्छा लगे, अरे अभी कर देंगे, नहीं वहां से वहां ले जाओ ना इनको, क्योंकि आप लोग कुछ बोल देंगे, अभी मेनका गांधी जी से गलती हुई, अभी हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो आप चलाओगे टीवी पर, नहीं 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 कोई भरोसा नहीं नहीं अच्छा ठीक है, ऐसे ही ख्याल रखना नहीं वो गलती हो जाए किसी दिन तो ये लगा लो ना, हिम्मत सब ले लो भाई। ओहो संदेश देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, हम लोगों ने संघर्ष बहुत किया है, संघर्ष की पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, किसान पार्टी, पीस पार्टी और ढेर सारी पार्टियां हैं प्रदेश में, हम लोग की मजबूती से समस्या के समाधान के लिए, एक तरह की समस्या हम लोगों की है और उसकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, ये विलय नहीं है, हम लोग आगे का रास्ता तय कर रहे हैं और ये एक तरीके का गठबंधन है और इसकी जिम्मेदारी हमारे माननीय अखिलेश जी के जिम्मे है कि ये कैसे हम छोटे दलों को साथ में लेकर आगे चलते हैं। और चूंकि अभी हमारी पार्टी 2016 में नहीं थोड़ी लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, अरे तुम यार उन्हें नहीं पता तुम्हें, अभी चुनाव चिन्ह हमारा फिक्स नहीं है और हम लोग मिल के लड़ रहे हैं, ये संयुक्त प्रत्याशी हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार और ये हम लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ने का आगे फैसला लिया है और बाकी हमारे नहीं ठीक है, बहुत मजा आई। अब हम निवेदन करते हैं पीस पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हां 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 और की बात करते हैं, अरे वो अभी कुछ नहीं छोड़ी है ना, बैठ, मैं कह रहा हूं ये सब आवाज जाती है उसमें बैठ के, आप आज सुबह में सभी पत्रकार बंधुओं का अपडेट हो रहा है मीडिया का, मैं स्वागत करता हूं और आप सभी ने हमेशा पीस पार्टी के संघर्ष को उचित स्थान दिया है। पीस पार्टी 2008 से समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ रही है और अपने स्थापना से ही हमेशा कोशिश करती रही है कि मिलजुल करके समान विचारधारा और समान संघर्ष वाली पार्टियों के साथ मिलकर के और आज
मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सफलता है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जितने भी पार्टियां हैं जो समाज के वंचितों पिछड़ों दलितों मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही हैं वो सभी एकजुट होकर समाज में जो सांप्रदायिकता का घर फैलाने वाले लोग हैं जो अनुवादी लोग हैं उनके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बन रहा है और हम सभी मिलकर के एक मजबूत गठबंधन बना करके इनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी ने जो समय लिया है भाई अखिलेश जी ने जो यहाँ की बड़ी पार्टी है उसका जो नेतृत्व करते हैं उन्होंने इसका जो उपयोग उठाया है इस पार्टी की तरफ से और निषाद पार्टी और समाज के सभी कमजोर वर्गों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस उपयोग उठाया है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। मुझे अल्लाह से दुआ है कि कमजोरों की लड़ाई उनके हक और इंसाफ की लड़ाई जो समाज में धर्म और जात के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है जो भेदभाव हो रहा है उस लड़ाई में हम सभी का संघर्ष कामयाब हो और इस लड़ाई में आप सभी का समर्थन सहयोग बहुत जरूरी है। मैं एक बार आप सभी का भाई डॉक्टर संजय निषाद जी का और ख़ास तौर पर भाई अखिलेश जी का मैं एक बार फिर धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे पत्रकार भाइयों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित करती है और इनका चुनाव निशान भी साइकिल होगा। इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद को हमारे अभी दोनों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समर्थन भी दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो आपके बीच में अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, तो उसका फायदा क्या हुआ? अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार वहीं लगाना है इसको। नहीं नहीं वो इसलिए कि देखिए इसलिए जरूरी है वो आप और हम लोगों को समझदार होना चाहिए और ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को और ज़्यादा समझदार होना चाहिए। कभी कभी जो बात कान में कही जाती है वो बात आपके इधर से निकल जाएगी वहाँ तक पहुँच जाएगी। और अभी जो बात हुई है हाल ही में जो पीलीभीत वाली बात आई है वो तो हमने टीवी पे देख लिया। इसे कोई गलती करेगा कैमरे से और माइक्रोफोन से नहीं बच पाएगा। इन दो से बच जाएगा तो मोबाइल से नहीं बच पाएगा, उनसे बच जाएगा कोई तो बीजेपी से कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं आज के दिन आप तो ऐसा कुछ करते नहीं कि आपको बचने की जरूरत है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो गलती ना करता हो। हम अपनी गलतियां जानते होंगे, आप अपनी गलतियां जानते होंगे। आज के दिन मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का धन्यवाद भी देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। दोनों नेता दोनों दल हमारे समाजवादी पार्टी का सहयोग करने के लिए इस चुनाव में जीत हो
लोगों के बीच में संदेश जाने के लिए जो फैसला लिया है, मैं दोनों दल के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही डॉक्टर संजय निषाद को इसलिए भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने बेटे को आगे कर करके समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाने का भी फैसला लिया है और इनका दल हमारा सहयोग करेगा। तो बात तो साफ हो गई, अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। साथ ही साथ हम अपनी पार्टी के तमाम नेता, संगठन, सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ मंच पर राम बुहाल भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्षेत्र के मजबूत नेता हैं। दूसरी तरफ अमरेंद्र निषाद भी हैं, वो भी, उनकी माताजी, उनके पिताजी लगातार उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो पार्टी के संघर्ष में पूरा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। वहीं गोरखपुर की हमारी जनता से अपील है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करें, सहयोग करें, जिससे कम से कम देश में ये संदेश जाए कि जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र दिखाए गए थे जनता के बीच में, जो संकल्प पत्र रखे गए थे, और अब तो जनता के पास, हम विपक्ष के नेताओं के पास, पीस पार्टी के पास भी होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी के पास भी होगा, एक केंद्र वाला संकल्प पत्र जो उस समय तय हुआ था कि हम क्या क्या करेंगे, जनता के बीच में रखा गया था। फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो घोषणा पत्र रखा गया था, और भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे आई और उन्होंने नगर निगम के चुनाव में भी अपना एक घोषणा पत्र रखा है। खासकर गोरखपुर, उसकी जनता से हमें अपील है कि देश में संदेश दें, क्योंकि देश का जो संकल्प पत्र है वह पूरा नहीं हुआ है। देश के सामने जो जो सवाल रखे थे बीजेपी ने, एक पे भी खरे नहीं उतरे हैं। वो चर्चा हम और आप एक दिन बैठ के करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अब हम समाजवादी लोगों को सच्चाई पे चर्चा करनी होगी। सच्चाई पे जब चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। हमें चाय और पकौड़े में उलझा दिया, चाय में ये डालिए तो अच्छी हो जाएगी। इधर मैं जब एक्सप्रेसवे से उतरा था तो दो जगह मैंने चाय पी, एक यादव ढाबा था, दूसरा गुप्ता ढाबा था। यादव ढाबे ने जल्दी चाय बना के दे दी, गुप्ता ढाबे की थोड़ी देर में चाय आई। और जब मैंने चाय पी तो मैंने यादव ढाबे वाले से बोला कि आपने जल्दी में चाय तो पिलाई हमें, इसमें अदरक नहीं डाली, और जो स्वाद के लिए दूध में पानी नहीं डालना था वो आपने डाल दिया, चाय गुप्ता की अच्छी है। तो हमें और आपको उलझा दिया चाय में, फिर पकौड़े में उलझा दिया। इन्वेस्टमेंट आए, अच्छी बात है, देश तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पर जाए, हम भी चाहते हैं, सबका सहयोग है उसमें। लेकिन नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, नकल पे पाबंदी के बहाने रोजगार पे ये पर्दा डालना चाहते हैं। नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, और बहाना कर रहे हैं कि नकल हो रही है। तो नौकरियों का भी सवाल है, देश के बड़े सवाल हैं। बीजेपी ने कहा जाकर के कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बचाएंगे, क्लाइमेट चेंज को बचाएंगे, पेरिस में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा। हम गोरखपुर की जनता से पूछेंगे और कहेंगे उनसे, ऑक्सीजन का पता नहीं, ग्रीन हाउसेस गैस का पता नहीं, लेकिन यहां बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, बच्चों की जान नहीं बची यहां पर, और झूठी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करना कि ऑक्सीजन से किसी की जान नहीं गई, जान गई हो तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, पूरे आंकड़े कंप्यूटर से निकाल करके जाने कहां फेंक दिए, आग लगा दी जहां पर सब कुछ सच्चाई के साथ मौजूद था उसमें भी आग लगा दी। तो इतना बड़ा धोखा हो,
और उज्ज्वला के नाम पर बहुत सिलेंडर बांटे गए, चूल्हे बांटे गए, कुछ चूल्हे जल नहीं पा रहे, सिलेंडर भर नहीं पा रहे, कैसी योजना चलाई, धोखा दिया। पैसा तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बहुत मिल जा रहा है, पैसे की कमी नहीं है देश में, पैसे की कहां कमी है देश में। नोटबंदी के बहाने पूरा जमा करा लिया पैसा, किसी गरीब पे नहीं बचा, किसान पे नहीं बचा, महिलाओं पे भी नहीं बचा था। निशानी के लिए हो सकता रखा हो 500 रुपया 1000 रुपया, लेकिन नहीं। और नोटबंदी के बहाने भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी थी, लेकिन लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बोलो कितना हजारों करोड़ रुपया चला जा रहा है। अभी छानबीन होगी, न जाने कितने लोग ऐसे निकलेंगे कि जो एक केवल कागज पर पैसा लेकर के भारत का चले गए। भारत का पैसा चला गया, कहा तो यह गया था कि हम पैसा बाहर से लाएंगे, लेकिन 15,000 से ज्यादा उद्योगपति अपनी खुशहाली के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चे और अपने परिवार के भविष्य के लिए भारत छोड़ के चले गए। हमारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आया, इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया, पैसा भी चला गया, लोग भी चले गए। हम तो कैशलेस हो ही गए, हम और आप। बैंकें भी धीमे धीमे होने लगी हैं, डूबी भी गई हैं बैंकें। ये तमाम सवाल उठेंगे। और फिर किसान की आमदनी कितनी होनी है, 2 गुनी 1.5 गुनी, लागत का ही फार्मूला बदल दिया। अभी तक जो परंपरा के तहत या जो जिस तरीके से लागत का जो अनुमान लगाया जाता था, उसका फार्मूला था, उसकी व्यवस्था थी, क्योंकि इन्हें अपना 2 गुना दिखाना है कि किसान को 2 गुना लाभ पहुंचाए, तो उन्होंने उस फार्मूले को ही छेड़ दिया। जहां आंकड़े ठीक करने हैं, वहां जो आंकड़े की पीछे व्यवस्था है उसी को बदल देते हैं। अभी तो बैंक का इतना आया है, पता नहीं कितने लोगों के निकल करके आएंगे। हमारे किसान कर की वजह से मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, डूब रहे हैं, पेड़ों पर चढ़े जा रहे हैं फांसी देने के लिए। सरकार ने वादा किया था कि हम कर्ज माफ कर देंगे, बताओ कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ। और अब तो दूसरा बजट प्रदेश सरकार का और 5 बजट दिल्ली सरकार के आ गई। 7 बजट का हिसाब किताब होना है गोरखपुर में, 7 बजट का। हम लोगों ने तो एम्स के लिए जमीन भी दी, अस्पतालों के लिए पैसा दिया, सब कुछ व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या करती है। इसलिए वहां की जनता, गोरखपुर की जनता, फूलपुर की जनता इंतजार कर रही है कब उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। और जब वोट पड़ेगा तो आप परिणाम भी देख लेना, परिणाम इन्हीं दल के पक्ष में आएगा जो यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे देश की समस्या पॉलिटिकल नहीं है। लोग कभी कभी कहते हैं पॉलिटिकल समस्या है, पॉलिटिकल लोग तो बात उठाएंगे, लेकिन हमारे देश की समस्या है सोशल, और उस सोशल समस्या का समाधान करने हम सब लोग बैठे हैं, और जनता के बीच में उन सोशल दिक्कतों का समाधान करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। इन्होंने अपने पूरे संघर्ष में गरीब, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, जिनको आज़ादी के बाद भी नहीं कुछ मिल पाया, उनका आवाज़ बुलंद की है। और समाजवादियों का भी यही रास्ता रहा है। मुझे खुशी इस बात की इस बार आवाज़ और वोट दोनों मिलेगा, और जब आवाज़ और वोट दोनों मिलेगा तो सोचो परिणाम क्या होगा। इसलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को बधाई देता हूँ, और अपने दोस्त डॉक्टर अयूब जी का, पीस पार्टी का, उनको भी बधाई, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नौजवान प्रत्याशी है, मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के सभी हम नेता कार्यकर्ता और गोरखपुर की जनता एक नौजवान को जो पहली बार चुनाव लड़ने आ रहा है उसकी मदद करेगी, सहयोग करेगी, जिससे कि जीत करके लोकसभा में जाए और कहे कि हाँ उत्तर प्रदेश से हम जीत करके आए हैं, और ऐसे प्रदेश से जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत वादे किए थे, बीजेपी ने बहुत वादे किए थे, इनके नेताओं ने बहुत वादे किए थे, वादों के साथ साथ समाज में दूरियां भी पैदा की, जात और धर्म में जहर भी घुला है, उन सब ताकतों को हरा करके हम आए। तो वोट बट नहीं जाएंगे, कैसे आप सामुदायिक शक्तियों का विरोध?
सांप्रदायिक शक्तियां खत्म हो, हम सब दल की जिम्मेदारी है। सर मेरा एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, नीरव मोदी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से ये पूरा घोटाला हुआ है, इस पूरे मामले में क्या कहना है सर? सर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, और जिस पर जिस विभाग पर आरोप लग रहा है वित्त मंत्रालय को, उसके मंत्री नहीं आ रहे सामने, डिफेंस मिनिस्टर आ रही है बताने बात सरकार के। ये दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और ये बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों का मामला है, हम और आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हम लोग और आप लोग इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें और आपको वो जानकारी नहीं होगी वो कि चिट्ठी कैसे लिखी जाए जिससे कि हमें गारंटी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए। मैंने पहले भी कहा था कि ये फार्मूला तो बीजेपी के पास है, बीजेपी हमें और आपको उलझा देती है दूसरे मामलों में और दूसरे मामले बड़े बड़े हो जाते हैं, उस पर कोई सच्चाई सामने नहीं आती। इसीलिए हम जनता के बीच में सच्चाई पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि ये बात वहीं उलझ जाएगी कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में क्या खामियां हैं, दूर होनी है कि नहीं होनी है। हम लोगों को तो सपना बड़ा दिखा दिया गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, हम पूरे